देखिए अपनी ज़रूरियात तो लोग पूरी कर ही लेते हैं, अब दूसरों के मसाइल देख के ज़ाहिर दिल रोता है। जो आजकल के हालात हैं माशरे को देख रहे हैं, ना लोग फूड खरीद सकते हैं, लोगों की दस्तर से बाहर हो गई है, परचेजिंग पावर लोगों की रही नहीं है। सबकी सुनता है वो मौला, सबकी सुनता है वो मौला, सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। अस्सलाम वालेकुम, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मैं हूँ गज़ल हैदर और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कराची की खूबसूरती। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कराची की खूबसूरती। जगह जगह अवतार का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावर हाउस चरंगी पे, जहाँ अवतार आम का एहतमाम किया गया है, जो सेवियर फाउंडेशन की जानिब से किया गया है, जिसके सरपरस्त हैं अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ आबदी, जो सेवियर फाउंडेशन के निगरान हैं, इनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, कब से आप लोग ये कर रहे हैं इफ्तार का एहतमाम, कितने साल हो गए करते हुए? सेवियर फाउंडेशन की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काफ़ी अर्से से जारी थे। इफ्तार का सिलसिला हमने पहली बार किया है, इससे पहले मसाजिद और इमाम बारगाहों में जारी रहता था, लेकिन इस बार हमने सड़कों के इमाम बारगाहों में भी जारी है। आज भी नॉर्थ कराची की दो मसाजिद और इमाम बारगाहों में है, मलीर में है, लेकिन अब साथ हमने सड़कों का सिलसिला भी शुरू किया है। और ये इफ्तारी का सिलसिला हमारा चकवाल में डेली बेसिस के ऊपर रोग फिरोज में जारी है, पिंडी में जारी है, मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है। अच्छा, कराची में और मुख्तलिफ जगहों पे आपको क्या फ़र्क दिखा? कराची में ज़्यादा एहतमाम किया जाता है इस चीज़ का, या और भी जगह आप गए हैं देखा है? देखिए, कराची का तो कंपैरिजन ही नहीं है किसी के से। कराची जो है सबको वेलकम कहता है, कराची का जो एक मैार है। बल्कि अब मैं जैसे आपको बताऊँ, चकवाल में जहाँ ढोक फिरोज में सेवियर फाउंडेशन की अफ्तारी का सिलसिला जारी है, वहाँ इससे पहले नहीं होती थी। एक ही कैंप लगा हुआ है सेवियर फाउंडेशन का, जो कराची से ऑपरेट हो रही है। वैसे तो सेवियर फाउंडेशन पूरी दुनिया में मौलाना अली रज़ा रिज़वी की सरपरस्ती काम कर रही है। हमारे बुर्किना फासो में, अफ्रीका में इस वक्त दस्तरखान चल रहे हैं सेवियर फाउंडेशन के। अच्छा, और इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में कराची से ऑपरेट हो रही है। तो चकवाल में इस वक्त हमारा भाई दस्तरखान, जो हमें हमारी नॉलेज में है, वो इस वक्त हमारा चल रहा है। अच्छा, सेवियर का माने मैं आपको बता दूँ, सेवियर के माने होते हैं निजात दहंदा। मैं थोड़ी मुश्किल उर्दू बोल गई, मतलब किसी को मुश्किल से निजात दिलाना या उसका मददगार साबित होना। काशिफ भाई, कितने लोगों को दुख से निकाल के उनके चेहरों में खुशियाँ भी खेरी हैं आप लोगों ने? जी बस कोशिश कर रहे हैं, मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी की देरे सरपरस्ती, वो पाकिस्तान में होते तो नहीं हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। मुस्तकिल सैलाब हो और कोविड का सिलसिला हो, दौरान भी मुस्तकिल राशन ड्राइव और मुस्तकिल प्रोजेक्ट्स में वो सरगर्म रहते हैं और हम उनकी आवाज़ पर लबैक कहते हैं। अच्छा, पहली रमज़ान से सेवियर फाउंडेशन की जान से राशन का एहतमाम भी किया था, उसके बारे में कुछ बताएं, राशन जो आपने जगह जगह बांटा है। ये राशन ड्राइव हमारी गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से चल रही है, और तकरीबन इस बार भी हमने तकरीबन 2000 के करीब घरानों के अंदर राशन तकसीम किया। और हमारा सिलसिला ऐसा है कि हम घर पर जाके खामोशी से दे के आते हैं, कोई आप हमारी राशन की तस्वीर नहीं देखेंगे। तो काशिफ भाई, आपको पता कैसे चलता है कि ये फलाना शख्स सफ़ेद पोश है, फलाना शख्स सफ़ेद का प्रोसेस क्या है आपका, क्या कोई दरख्वास्त आके दी जाती है आपको? देखिए, हमारी अच्छी खासी बड़ी टीम है, वो वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में लोग होते हैं, और अड़ोस पड़ोस वालों को पता होता है कि कौन है, तो हम उसी से होमवर्क करते हैं। कुछ लोग हमसे रब्ता भी करते हैं, कुछ छोटे इदारे जो हैं, NGOs हैं, मसाजिद इमाम बारगाह वाले हैं, वो भी रब्ता करते हैं, तो उनके थ्रू भी। लेकिन हम इदारों को नहीं देते, हम कोशिश करते हैं कि घरों पे पहुँचाएँ, तो हम फिर खुद घरों पे लेके जाते हैं। अच्छा काशिफ भाई, महंगाई ने हर चीज़ को मुतासर किया है, पिछले दफ़ा जो आपने अफ्तारी करवाई थी, इस दफ़ा में क्या फ़र्क पड़ा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मोर देन
100% बल्कि 200% जो है बजट में फ़र्क आ गया है। और जो लोग, क्योंकि हमारा प्रॉपर डोनेशन का सिलसिला नहीं है, हम आपस में, हमारे एक सर्किल है फ्रेंड्स का, मौलाना है, मौलाना के कुछ दोस्त अहबाब हैं जिससे हम करते हैं, वरना हमारे एनजीओ जैसे बकायदा चंदा करते हैं, चंदा मुहिम होती है, वो सिलसिला हमारा नहीं है। ज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने रिसोर्सेज में रहते हुए हमारे अपने कारोबारी लोग हैं, हम भी जो लोग अपना कारोबार करते हैं उससे निकालते हैं। बाकी हमारी फिर टीम है माशाल्लाह, तमाम लड़के अपने पास से इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। और सीविर फाउंडेशन के क्या क्या काम है वो भी बता दें थोड़ा सा लोगों को। कई बच्चे हैं जिनकी तालीम की, आला तालीम के खर्चे हम सीविर फाउंडेशन के थ्रू उठा रहे हैं। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक पसमानदा मुल्क है, शहर है मुल्क का, उसका शहर है वागाडुगू, जहाँ एक यतीम खाना चल रहा है, स्कूल चल रहा है हमारा। फिर नजफ में पहला एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल तलाब के लिए हमने तैयार किया है नजफ एयरपोर्ट के पास, वो सेफर फाउंडेशन के जरिए निगरानी तैयार हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, समर कैंप्स मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ासतौर पर यूरोप में रिलीजियस एजुकेशन का मसला होता है तो वहाँ मौलाना की जरिए निगरानी समर कैंप्स लगते हैं। फिर पाकिस्तान में राशन ड्राइव हैं, फिर आज़ादारी का सिलसिला है सेफर फाउंडेशन की जरिए निगरानी का, इस तरह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, आपके दस्तखान पे आपके कामों में अल्लाह पाक बहुत बरकत दे। जो काम हुकूमत को करना चाहिए ना वो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन लोगों को चुना है। आपको रूहानी क्या एक सुकून मिलता है काशिम भाई ये सारे काम करके? देखिए अपनी ज़रूरियात तो लोग पूरी कर ही लेते हैं, अब दूसरों के मसाइल देख के ज़ाहिर दिल रोता है। जो आजकल के हालात हैं माशरे को देख रहे हैं, ना लोग फूड खरीद सकते हैं, लोगों की दस्तर से बाहर हो गई है, परचेजिंग पावर लोगों की रही नहीं है, हर चीज़। तो फिर कोशिश करते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो अगर पहुंचा सकते हैं जिस हद तक, अब रेगुलर बेसिस पर तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा कोई फंडिंग का प्रोसेस नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब जब हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें और लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। अच्छा ये तो हो गया रमजान का, ईद के लिए भी कोई प्लानिंग है कुछ है कर रहे हैं? देखिए डिस्कस कर रहे हैं ईद के लिए, हमारी टीम वर्कआउट कर रही है, प्लान कर रही है, इंशाल्लाह देखें उसको भी जल्द अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, हमारे साथ मौजूद है काशिफ आप्ती जो सेवियर फाउंडेशन के ज़ेरे निगरान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा करे, इन लोगों के जो है वो दस्तखान में इजाफा करे। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इसी मुनासबत से केक काटा जा रहा है, देखिए केक की कटिंग हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है औरंगजेब आलम, ये बहुत अच्छे इंसान है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी इनकी आवाज़ है। इन्होंने जो है एक नया कलाम जो है अभी रमज़ानों में ऑन एयर हुआ है इनका, तो हम उनसे वो भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब, कैसे हैं? सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया गज़ल, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूँ, कुछ बोल सकूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोग आपसे जो है ना कलाम सुनना चाह रहे हैं, अपना अगर कलाम सुना दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। इस साल ये ऑन एयर हुआ है, वो मौला सबकी सुनता है, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुनाता हूँ, अभी रोज़ा भी है। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है पर किस किसी को चुनता है, वो मौला किसी किसी को चुनता है, वो मौला सबकी सुनता है। इन लोगों को चुना है इस कामों के लिए, सीवियर फाउंडेशन के कामों में ये लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह पाक इनके कारों इनके काम में बरकत दे, इनके जो है वो दस्तखान में बरकत दे, इनके कामों में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गज़ल आपका। जी जनाब कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।